6260174231, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। मेनली तीन सोर्स है जहां से मैं रिफ्रेश इमेज खोजता हूं। आज इस वीडियो में उसकी तह तक जाएंगे, काफी डिटेल में समझेंगे कि कहां से आप रिफ्रेश इमेज खोज सकते हो, प्लस कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस खोज सकते हो, कहां से अच्छी क्वालिटी की इमेजेस खोज सकते हो, सब चीज के ऊपर बहुत डीपली बात करेंगे इस पूरे लेसन में। तो इस पूरे लेसन को ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेसन के बीच में भी शेयर करूंगा, तो डोंट स्किप इट, वॉच टिल द एंड। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी प्रोपोर्शंस के ऊपर कि प्रोपोर्शन कैसे इंप्रूव करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने पूछा था कि मैं आप चाहते हो कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रिफरेंस इमेज के ऊपर आप चाहते हो मैं बनाऊं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं एक सवाल और पूछता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि क्या आप चाहते हो मैं स्टूडियो टूर भी एक और बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स पास्ट में आया हुआ है स्टूडियो टूर के ऊपर, जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने अपने कुछ वीडियो शेयर किए थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल स्टूडियो टूर बनाऊं जहां पे मैं सिर्फ स्टूडियो दिखाऊं नहीं बट ये भी बताऊं कि क्या क्या चीजें मैं रखता हूं जो मुझे हेल्प करती है, जो आपको भी हेल्प कर सकती है, आपके स्टूडियो को सिंपल वे में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सको, आप अपने स्टूडियो को और ज्यादा इस्तेमाल कर सको, अगर चाहते हो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, तो मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो में 500 कमेंट्स का। ये टारगेट सिर्फ इसलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और आज की ये जो लेसन है रिफरेंस इमेज वाली, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप जितना ज्यादा कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो, उतनी ज्यादा पहुंच पाती है और बहुत सारे आर्ट लवर की हेल्प हो पाती है। तो 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग अचीव कर लोगे। हर एक पर्सन 10-10 कमेंट कर दो, आई डोंट नो, आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से उस वीडियो को पाने की कोशिश करते हो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सो आज की इस वीडियो में तीन मेन टॉपिक, तीन मेन सोर्स है जहां से मैं रेफरेंस इमेज अपने लिए लाता हूं। तीन मेन सोर्स क्या है? पहला सोर्स है इंटरनेट, इंटरनेट में गूगल, चलो ठीक है सिंपल समझते हैं गूगल। दूसरा सोर्स है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कैसे वो मैं बताऊंगा। तीसरा सोर्स है खुद इमेजेस लेना, तीनों को एलाबोरेट करता हूं। सबसे पहले गूगल में कैसे, गूगल में अगर आप सर्च करोगे कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे तो आपको इमेजेस मिल जाएगी, चलो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस मिले ताकि आप उसको ऑनलाइन शेयर कर सको बिना कोई कॉपीराइट क्लेम के और अच्छी क्वालिटी की एचडी इमेजेस मिले, तो तीन मेन वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके इमेज सर्च कर सकते हो। पहले तो गूगल में जाके सर्च करो कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस, आपको तीन मेन वेबसाइट्स मिलेंगी, पहला है पिक्साबे, दूसरा है पिक्सल्स और तीसरा है अनस्प्लैश। ये तीन ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इमेजेस अवेलेबल है फ्री में, एचडी क्वालिटी में, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमेजेस लाइक रियलिस्टिक इमेज हो या फिर एनिमेटेड इमेजेस हो, ये आपको पिक्साबे वगैरह में बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो तीन मेन वेबसाइट्स आपको पता चली, पिक्साबे, पिक्सल्स एंड अनस्प्लैश, ये आप गूगल में सर्च करोगे कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस तो ये मेन तीन वेबसाइट्स आपको टॉप में मिलेंगी। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जब आप गूगल पे सर्च करते हो कोई भी इमेजेस, नॉर्मली कोई भी इमेजेस सर्च करते हो तो वहां पे भी आप कॉपीराइटेड इमेजेस खोज सकते हो बिना किसी वेबसाइट में जाए, वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस स्क्रीन पे। जब आप गूगल पे सर्च करते हो कुछ भी, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल साइड प्रोफाइल पिक्चर सर्च करते हैं, ठीक है साइड प्रोफाइल पिक्चर ये सर्च किया, कुछ भी आप सर्च करते हो तो यहाँ पे जब आप इमेजेस सेक्शन में जाते हो, ठीक है आपने कोई वेबसाइट नहीं खोली, आप डायरेक्ट इमेजेस में गए, यहाँ पे सारे इमेजेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कॉपीराइटेड होते हैं कुछ कॉपीराइट फ्री होते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपको इमेजेस मिलेंगे ये ऑलरेडी फिल्टर्ड है और ये सारे कॉपीराइट फ्री, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी अपने ऑनलाइन वीडियो में। तो ये चीज़ पढ़ो, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो हमने सिलेक्ट किया जहाँ से हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिली उसका मीनिंग क्या है। ये वो इमेजेस होती है जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली कि हम जिस पर्सन ने वो इमेज गूगल पे अपलोड की है हम उनसे पूछ पाएं कि आपका इमेज हम इस्तेमाल करें कि नहीं करें। तो जब हम क्रिएटिव लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वो सारे इमेजेस आते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी से पूछे और जहाँ पे हमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप इमेजेस अपने लिए अच्छी रेफरेंस इमेज खोज सकते हो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में कैसे? अब इंस्टाग्राम में दो चीजें हो सकती हैं, आपको कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं अपना जो मैं खुद करता हूँ आपके साथ शेयर करूंगा, जब भी मुझे कोई अच्छी इमेज दिखती है
मान लो कोई फिगरेटिव इमेज में खोज रहा हूँ और मुझे लगा कि यार ये वाले फिगर इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर कोई पोर्ट्रेट इमेज खोज रहा हूँ, तो सबसे पहले जो सर्च करने का तरीका है इंस्टाग्राम में, मैं पर्सनल प्रैक्टिस के लिए भी इंस्टाग्राम ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, गूगल से ज्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाओ, हैशटैग, ओके, हैशटैग जो भी आप सर्च करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल फीमेल पोर्ट्रेट्स, ओके, फीमेल पोर्ट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल, तो हैशटैग फीमेल पोर्ट्रेट सर्च किया, सर्च में हैशटैग में सारे फीमेल पोर्ट्रेट्स के इमेजेस आ जाएंगे, वहां से आप कोई भी पिक कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं दूसरी चीज एक और करता हूं, अगर मुझे उसमें से कोई इमेज यूट्यूब के लिए या फिर किसी सोशल मीडिया में इस्तेमाल करनी है, तो मैं क्या करता हूं, इमेज जो अच्छी लगी उसको सिलेक्ट करता हूँ, जिस पर्सन ने वो इमेज डाली उसको खोजता हूँ, या तो वो टैग किया हुआ होता है, अगर नहीं किया हुआ होता तो मैं दूसरी इमेज खोजता हूँ जहाँ पे मुझे वो पर्सन मिल जाए जिसने वो इमेज अपलोड की है, उस पर्सन को मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ कि मैं आपकी इमेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ एंड मैं आपको अच्छे से क्रेडिट भी दे दूंगा एंड आई वुड लव टू यूज योर इमेज, मैं उनको अच्छे से समझा देता हूँ कि आपकी इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी है, एक नई स्ट्रेटजी समझो, कभी भी डायरेक्ट पूछोगे ना कि मैं आपकी इस्तेमाल कर लूँ क्या, हो सकता है आपको बहुत लोग मना कर दें, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो पर्सन ने अपनी इमेज, अपना जो भी फोटोग्राफी वर्क डाला है ना, वो भी चाहते हैं कि उनका वर्क दुनिया में पहुँचे, तो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए अगर मैं उनको उस नज़र से बात करूँ जिस नज़र से वो चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मुझे अलाउ कर देंगे अपना वर्क, अपना जो फोटोग्राफी है उसको इस्तेमाल करने में। और ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप हमेशा याद रखना, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा, ठीक है, हर चीज़ में काम आएगा, कि लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जिसने भी वो फोटोग्राफी वर्क डाली है, अपना वर्क डाला है, मैं उनसे जाके बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियली जेन्युइनली दिल से बताता हूँ कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, आपने जो ये फोटोग्राफी में जो लाइटिंग इस्तेमाल की है, जो तरीके इस्तेमाल किए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ आर्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं लेसन्स डालता हूँ जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प होती है, तो आपकी ये इमेज मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और ये इमेज पे मैं क्रेडिट भी दे दूंगा कि ये आपके द्वारा ली गई है, आपका मैं अच्छे से नाम और आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं मेंशन कर दूंगा। इस तरीके से मैं अच्छे से बात करके उनके साथ बात कर लेता हूँ, तो वो अलाउ कर देते हैं, और एक बार उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप फिर बिना किसी टेंशन के वो फोटो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफी वर्क करते हैं, और फोटोग्राफी में क्या है ना कि उनके पास बहुत सारा स्कोप रहता है, कि वो अलग अलग जगह जाते हैं, नेचर का लेते हैं, किसी पर्सन का लेते हैं, किसी ह्यूमन फिगर का, और अलग अलग तरीके से लेते हैं, वो जल्दी से गूगल पे भी नहीं मिलता। तो ये इंस्टाग्राम बहुत अच्छा सोर्स है पर्सनली मेरे लिए, जहां से मैं फिगरेटिव स्केचेस और अलग अलग टाइप के वर्क्स इस्तेमाल करता हूँ रिफरेंस इमेज। तीसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इस्तेमाल, मैं इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा करता हूँ इमेजेस के लिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, तुरंत हैशटैग इस्तेमाल किया तुरंत फोटोज मिल जाती हैं, लोगों से कनेक्ट होने का भी मौका मिल जाता है। तीसरा जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है, और ये मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा जो भी आर्ट की फील्ड में है, वो है खुद फोटोग्राफी करना, खुद फोटोज खींचना। यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको फोटो मिल गई, इसके अलावा ये भी आप सीखते हो कि कैसे दुनिया में आर्ट को खोजते हैं। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई सीन दिखा और आपको तुरंत आपका दिमाग अवेयर हो जाता है कि ये सीन अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फोटो खींच देते हैं, ठीक है। मैं कुछ फोटो भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो मैंने खुद पर्सनली खींची हुई है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपका एक सेंस ऑफ अवेयरनेस डेवलप होता है, अवेयर होना सीखते हो, फिर आप तुरंत कैप्चर कर लेते हो। अगर आप नॉर्मली सिर्फ ऑनलाइन या फिर गूगल से या फिर इंस्टाग्राम से ही ऑनलाइन से ही वीडियो मतलब फोटो ले रहे हो, फॉर एग्जांपल, आपका ऑब्जर्वेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा चीजों को कैप्चर करने के लिए। तो ये तीसरा जो सोर्स है मेरा, खुद की फोटोग्राफी करना, खुद फोटोज लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार फोटोज लेते हो, मान लो घर में बैठे हो, कोई स्टिल लाइफ सजा दिया उसकी फोटो ले ली, कुछ लाइटिंग कंडीशन लगाया खुद से उसकी फोटो ले ली, तो ऐसे जब आप करते रहते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें क्लिक जल्दी करने लगती हैं। फिर आप रस्ते पे जा रहे हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी चीज इधर उधर हो रही हो, आपको तुरंत दिमाग जाता है कि अच्छा लग रहा है, तुरंत फोटो ले लिया। तो ऐसे में दिमाग शार्प होता है, आप कंपोजिशन आपकी सबकॉन्शियसली इंप्रूव हो रही होती है, और आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हो, आपकी आंखें डेवलप हो रही होती है नॉर्मल में एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को ढूंढ निकालने के लिए। तो ये बहुत पर्सनल फेवरेट तरीका है मेरा, खुद की फोटोज खींचना। यहाँ पे एक आर्टिस्टिक वाली जो सेंस है वो डेवलप होता है। तो ये तीनों ही तरीके अच्छे हैं, तीनों ही तरीके बहुत बढ़िया हैं। मुझे बताना कि आप कौन सा तरीका अभी तक इस्तेमाल करते आए थे और कौन सा तरीका, अगर आप पर्सनली
फोटो नहीं खींचते हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट बताना कि आप कब खींचना शुरू करोगे। एंड अगली वीडियो में मैं और भी नए टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे आप आर्ट से, आप मुझसे आर्ट के थ्रू कनेक्ट हुए हो, तो जो भी मैं लेसन डालूँ आप तक पहुँचते रहें, जो भी मैं लाइव सेशन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करूँ आप तक पहुँचते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इंपॉर्टेंट है। प्लस ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर भी आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी अपडेट हो फ्यूचर में, जो भी चीज़ें मैं करूँ टाइम से पहले आपको मिल जाए, आपको वो मिस ना हो जाए। और स्टूडियो टूर का जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर आप चाहते हो मैं स्टूडियो टूर के ऊपर वीडियो शूटिंग शुरू करूं तो प्लीज कमेंट्स करना, एंड 500 कमेंट का टारगेट है। लेट्स सी ये फैमिली कितना ज्यादा एक चाहत रखती है कि मैं स्टूडियो टूर रखूं। और सिर्फ स्टूडियो टूर में सिर्फ मैं स्टूडियो दिखाऊंगा नहीं, सारी चीजें मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं ताकि वो इंफॉर्मेटिव बने। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, लव यू ऑल।